कैलाश मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन इसका असली इतिहास क्या है ये कोई नहीं जानता। मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि इस मंदिर का निर्माण किसी अदृश्य शक्ति या अलौकिक शक्ति द्वारा किया गया है। मंदिर का निर्माण कब हुआ इसकी जानकारी भी सटीक नहीं है, और क्यों इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा नहीं होती इसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है। गुफा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। महाराष्ट्र की एलोरा गुफा एक पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा शिव मंदिर है जो यहाँ की गुफा संख्या 16 में है। पुराने निर्माण को देखने वाले संस्था ने कैलाश मंदिर के बारे में बताया है कि ये मंदिर ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुमान के मुताबिक इस पहाड़ी से करीब 4,00,000 टन पत्थर काटे गए होंगे और इस काम में 7,000 लोग लगे होंगे जिन्होंने करीब 150 साल तक काम किया होगा। अब चौंका देने वाली बात तो ये है कि सूत्रों के मुताबिक यह मंदिर महज 17 साल में बनकर तैयार हुआ था, जो आम इंसान के लिए नामुमकिन ही है। इसीलिए इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक रहस्य है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हर इंसान ने एक घंटे में 5 टन पत्थर काटा होगा, और यहाँ तक कि पत्थर काटा नहीं बल्कि उसे तराशा भी था। सोचने वाली बात तो ये है कि आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इतनी जल्दी और इतना अच्छा काम नहीं किया जा सकता, तो फिर इस मंदिर का निर्माण 17 साल में कैसे हुआ होगा। पौराणिक ग्रंथों में मंदिर के बनने के पीछे का दावा हैरान करने वाला है। कहते हैं कि एक यंत्र था जिसका इस्तेमाल देवताओं के द्वारा संरचनाएं बनाने के लिए होता था। इस यंत्र को बड़ी चट्टानों से काटकर आकार दिया जाता था और कटी हुई चट्टानें हवा में भाप बनकर उड़ जाती थी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर के नीचे जो गुफा बनाई गई थी उन्हीं गुफा में ये दिव्य अस्त्र हो सकता है जिससे इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। वो अस्त्र इन्हीं सुरंगों में छुपाया गया है। आप में से बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि इस मंदिर को हम जैसे इंसानों ने ही बनाया होगा, लेकिन इस मंदिर से जुड़े अनसुलझे सवालों को देखकर यही लगता है कि कुछ तो है जो आज तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। इसी के चलते सरकार ने इन गुफाओं में आना जाना बंद कर दिया है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन।